हमने देखा था जनरल फीचर्स क्या होते हैं कि जो प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म उनमें फ्लावर्स होते हैं, उनमें उनके मेल पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। मेल पार्ट का क्या नाम पढ़ा था हमने? मैं मेल पार्ट का एंथर एंथर उसका सिर्फ हेड है, बट पूरे को स्ट्रक्चर एंथर और स्टेमन। स्टेमन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टल या फिर पिस्टल कार्पल। अच्छा या फिर कार्पल। तो हम ये स्लाइड्स देख रहे थे, इसको मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन आपको। तो इसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, सिलेक्टिव एडवांटेज देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की, विच हैज़ लेड टू देयर सक्सेस, जिसकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट में सक्सेस आई है। क्यों? कोई चीज़ ज़्यादा फैली हुई है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा फैली हुई होती है तो हर जगह मिलती है, इसका मतलब उसने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है कि वो हर जगह मिल रही है। तो गुड आफ्टरनून मैम। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही है कि वो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से चेंज किया है कि वहाँ पर क्या है, उनके अंदर ऐसा एवोल्यूशनरी एडवांटेज आया है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिससे वो अपने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। क्या समझ रहे हो मेरी बात? ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए कि यस वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी या अच्छे कैरेक्टर वाले हैं, इसीलिए वो सब जगह मिलने लग गए। जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के, फिर रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म की, फिर क्लासिफिकेशन और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। क्यों यूज़फुल है एंजियोस्पर्म, क्यों यूज़फुल है? एक यूज़ तो यही है कि फ्रूट्स देते हैं हमें, और दूसरा यूज़ क्या है? उनके सीड्स भी, किसी किसी एंजियोस्पर्म्स के, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के सीड भी एज अ फूड खाए जाते हैं, जैसे कि हम आटा चावल ये सब खा रहे हैं। ये क्या है उन प्लांट्स के? सीड्स ही तो हैं, ग्रेन्स ही तो हैं। तो इनको भी एज अ फ्लावर यानी क्रश करके मिल में, और इनका भी आटा भुना के और इनको खाया जाता है। मक्का है, मक्के का भी आटा बनता है। तो मक्का क्या है? बीज होते हैं वो सब मक्के के, ठीक है? तो इस वजह से मेजर अमाउंट में फूड सोर्स है, चाहे उसका सीड फूड सोर्स के रूप में खाया जाए या उसका फल खाया जाए। तो दे आर प्रोवाइडिंग द, कह सकते हैं एक एनर्जी सोर्स है। तो बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन, डिस्कस द टर्म एंजियोस्पर्म, डिस्कस द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज ऑर्गेनिज्म, क्लासिफाई एंजियोस्पर्म, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली। ठीक है, लेसन की आउटलाइन है। इसके बाद ओवरव्यू क्या है? एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, एंड हैव देयर ओव्यूल इंक्लोज्ड इन एन ओवरी। ओवरी में उनके ओव्यूल्स इंक्लोज रहते हैं। इट कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियोन कंटेनर एंड स्पर्मा सीड्स। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द किंगडम प्लांटे विद 68 ऑर्डर्स, 416 फैमिलीज, अप्रॉक्सीमेटली 1364 नोन जेनरा एंड अबाउट 4 लाख स्पीशीज। इतने सारे फैमिली ऑर्डर और स्पीशीज जेनरा हैं इसके अंदर। 90% प्लांट स्पीशीज हैं एंजियोस्पर्म, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में जो भी प्लांट्स हैं वो अर्थ पे कौन से वाले प्लांट्स हैं, कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म है। कंसिडर अ ग्रुप एट द लेवल कॉल्ड एंथोफाइटा, एग्जाम्पल इंक्लूड मॉन्स्टेशिया, विडाली, सनफ्लावर, वोल्फिया। तो ये सब कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि एंथोफाइटा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये ओवरव्यू कंटेंट है इसका, सनफ्लावर का डायग्राम दे रखा है, पोलन ग्रेन्स को दिखा रखा है, उंगली पे पूरे बिछे हुए हैं पोलन ग्रेन्स, ऐसे दिखाया है मैग्नीफाई करके। ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोप में भी दिखाया है वोल्फिया के पोलन ग्रेन्स। देन ओवरव्यू कंटिन्यूड है यहाँ पे भी। सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच हैव लीड टू देयर सक्सेस। एंजियोस्पर्म यूज फ्लावर्स टू रिप्रोड्यूस, मेड देम मोर रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल। एंजियोस्पर्म ने फ्लावर्स को यूज किया और वो रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल हो गए। जैक फ्रूट का डायग्राम देख रहे हो, जैक फ्रूट क्या है? कटहल है। कटहल
कटहल में बीज होते हैं और हम कटहल के सब्जी खाते हैं, बीज भी खा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रूट एक ऐसा एक जरिया है सीड डिस्पर्सल का। अगर कोई इसको जानवर खाएगा, जानवर इसके बीज बिखरा देगा, तो कटहल दूसरा उग जाएगा उस बीज से। एंजियोस्पर्म मैम, जो जैक फ्रूट, मैम जो जैक फ्रूट बोलते हैं वो ये बताते हैं कि वो जो बहुत सारे जो उसके ओवरीज होती है ना, बहुत सारे ओवरीज एक साथ मिलके एक जैक फ्रूट बनाते हैं। हाँ, आती हैं, इसीलिए इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, बहुत सारे ओवरीज हैं। नाउ एंजियोस्पर्म यूज फ्लावर्स टू रिप्रोड्यूस मेड देम मोर रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल। एंजियोस्पर्म ने अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए बनाया क्योंकि वो फ्लावर्स यूज करते हैं रिप्रोडक्शन में। Pollination of flowers by animals or bees in exchange for nectar made angiosperm more reproductively successful. जो pollination होता है flowers का, animals करते हैं या bees करती हैं, और इससे nectar exchange होता है, made angiosperm more reproductively successful. इससे angiosperm reproductively successful बने हैं pollination की वजह से। ऐसा बोला जाता है कि जो bees हैं, हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने लग गए, जब हम ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने लग गए तो क्या हुआ, जब हम पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करने लग गए तो पेस्टिसाइड में बहुत अबनॉक्शियस स्मेल होती है, बहुत पंजेंट स्मेल होती है, और वो इसीलिए होती है ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर भाग जाए। तो उससे हार्मफुल इंसेक्ट्स तो दूर भागते ही हैं, बट बटरफ्लाइज भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगती हैं, मतलब वो भी अपना आना बंद कर देती हैं फ्लावर्स के पास। तो इसीलिए कम यूज, बहुत ही लो कंसंट्रेशन की पेस्टिसाइड यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि जब हवा चलती है तो अगर दवाई डाली है पौधों में तो वो दवाई के साथ वो हवा मिलकर उड़ती है, तो वो बहुत दूर दूर तक फैलती है उस दवाई का जो खुशबू है या उसकी जो ऑडर है। उससे क्या होता है कि मधुमक्खी आना बंद कर देती हैं, और इससे देखा गया कि फसल और ज़्यादा अच्छी होने की जगह खराब होने लगी, क्योंकि अच्छे वाले इंसेक्ट्स तो चाहिए, पोलिनेशन फ्लावर्स तो कराना ज़रूरी है, उनको वो तो खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर हम ज़्यादा दवाई डालेंगे तो उससे क्या होगा, नेचुरल जो सेंट है पौधे की, नेचुरल जो फ्रेग्रेंस है वो दब जाएगी, तो फिर उससे पॉलिनेटर्स जो उसके पास नहीं आ पाएंगे। तो ये इसीलिए देखा गया कि पॉलिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स से होती है। तो पॉलिनेशन इतनी ज़रूरी है कि अगर पॉलिनेशन ना हो तो बिल्कुल फसल बिल्कुल चौपट हो सकती है, और फ्रूट्स जो भी मार्केट में आते हैं वो फ्रूट्स और सारी चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर और ख़त्म, और भूखमरी की भी हालत हो सकती है अगर पॉलिनेशन नहीं हो सही से। पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। मैम, आई हैव अ क्वेरी। हाँ बताओ। मैम, जो वॉल्फिया प्लांट होता है वो एंजियोस्पर्म में कैसे आ सकता है? वॉल्फिया प्लांट एंजियोस्पर्म में कैसे आ सकता है, क्यों, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म भी होते हैं। बट मैम उसमें जैसे होता है उसमें कोई ट्रू रूट्स नहीं होती और थैलस लाइक बॉडी होती है उसमें। तो मैम वो आ सकता है क्या इसमें, एंजियोस्पर्म्स में? ना, पोलिनेशन के भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली अंदर उसके अंदर बाइसेक्सुअल होता है, तो उसमें पोलिनेशन नेचुरली हो जाती है, सेल्फ पोलिनेटिंग टाइप का। ओके मैम, ठीक है। तो बिकॉज़ ऑफ मैम इट मींस, बताओ मैम, मतलब वो इंडिविजुअली एक फ्रूट बनाएगा? हाँ। ओके मैम, और यहाँ पर ये देना है एंजियोस्पर्म, लास्ट पॉइंट जो, एंजियोस्पर्म आल्सो बिगन टू इनकेस देयर सीड्स इन फ्रूट व्हिच प्रोवाइड एक्स्ट्रा नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर देयर ऑफस्प्रिंग। ना, एंजियोस्पर्म ने फ्रूट से कवर किया ने सीड्स को, तो उसके बीज बिल्कुल सुरक्षित हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, कोई चिड़िया अंडे देती है अपने बच्चों को ग्रो कराती है, उस पर अंडों को प्रोटेक्ट करके रखती है, कोई आ नहीं जाए, उसको ध्यान रखती है। और ह्यूमन बीइंग्स में भी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ही बच्चा डेवलप होता है, तो कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसके
इंटरनल में बॉडी के अंदर सेफ रहता है, क्योंकि वो बाहर प्रीडेटर्स से बचता है। अब चिड़िया को बार बार मेहनत करनी पड़ती है, उसको वहीं रहना पड़ता है हमेशा, बहुत घंटे घंटों उसको अंडों के पास रहना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है, अब जो ऑर्गेनिज्म जिन जो वीवी पैरस है, एक एगलेइंग ऑर्गेनिज्म है चिड़िया, क्या एगलेइंग है, ओवी पैरस है, तो उसके फिर भी डेंजर में है। अगर बाई चांस वो मान लो अपना खाना ढूंढने गई है, और खाना ढूंढने गई है कोई और आ गया वहां पर, सांप आ गया कोई, या कोई और बड़ा पक्षी आ गया उसके अंडे के देखने के लिए, वो उसने चोंच मार दी, तो वो अंडे तो खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि इससे बेटर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, कैटल हो गई, ह्यूमंस हो गए, जो इंटरनल रिप्रोडक्शन में इंटरनली उनके बच्चे डेवलप होते हैं। यही हिसाब क्या है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में सीड्स कहाँ पर है, सीड्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सीड्स क्या है, फ्रूट्स के अंदर है। तो फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स हैं वो इसीलिए ऐसे बने हैं क्योंकि वो इनकेस रहे, अंदर उसके पूरे कवर्ड रहे, ऊपर से फ्रूट की बॉल हो और अंदर बीज हो, ताकि बीज प्रोटेक्टेड रहे और उसका ऑफस्प्रिंग भी प्रोटेक्टेड रहे। मतलब बीज के अंदर ही एक पेड़ छुपा होता है, बीज के अंदर ही पौधा छुपा होता है। वो बीज को अगर हम बोते हैं तो उससे वही पौधा निकलता है जो हमने बीज बोया है। तो इस वजह से एंजियोस्पर्म का ये एडवांटेज है। ओके नाउ ओवरव्यू कंटिन्यू। प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स टू एड इन सीड डिस्पर्सल। देख रहे हो एक तरफ डायग्राम में दे रखे हैं तरह तरह के फ्रूट्स दे रखे हैं, एप्रिकॉट, ठीक है, एंड नाम सही से क्लियर नहीं है, पीच है, ठीक है, चेरी है, प्लम है। तो ये सब कुछ फ्रूट्स हैं जो कि बनाते हैं एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर्स से भी क्या होता है, सीड डिस्पर्जल में हेल्प होती है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ओवरी में ही सीड बनेगा और फिर ओवरी ही पकेगी किसमें, फ्रूट में। तो इसीलिए ये सब तरीके इसीलिए हैं कि जो बीज है वो दूर दूर तक फैले। कैन प्रोड्यूस स्पोर्स। जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, जिम्नोस्पर्म माइक्रोस्पोर मेगास्पोर बनाते हैं, एंड जिम्नोस फ्रॉम जिम्नोस्पर्म कैन प्रोड्यूस स्पोर्स विच आर मोर स्टेबल देन सीड्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सीड्स हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म से मोर डेवलप्ड फॉर्म क्या है, एंजियोस्पर्म की है। एंजियोस्पर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव वेसल्स दैट कैन एस्केलेट देयर ग्रोथ। और बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनके अंदर ऐसे वेसल्स हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम उनके अंदर होते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और ज्यादा तेज हो जाती है। जाइलम फ्लोएम कैन इंक्रीज देयर ग्रोथ। नाउ इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एवोल्यूशन की बात अगर करें तो जाइलम जो जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम है उसमें हमने देखा था कि उसमें ट्रैकिड्स तो होते हैं, ट्रैकिड्स नाम के उसके अंदर पतले वाले वेसल्स तो हैं, बट उसके अंदर बड़े चौड़े वाले वेसल्स नहीं होते। और सीव ट्यूब्स में भी जो फ्लोएम टिश्यू है उसमें भी कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ नहीं होते। तो लेस डेवलप्ड है, इट इज लेस डेवलप्ड। व्हाट द जिम्नोस्पर्म इज लेस डेवलप्ड, उसमें प्रॉपरली जाइलम फ्लोएम पूरे नहीं बने। उसमें अगर जाइलम बना तो ट्रैकिड्स वाला जाइलम बना, और उसमें अगर फ्लोएम बना तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स वाला फ्लोएम बना, और उसके साथ कंपेनियन सेल्स नहीं थे, आधे अधूरे बने। तो कुछ चीज़ आधी अधूरी बनती है तो वो इनिशियल स्टेज में बनती है, आधी अधूरी जब बिल्कुल स्टार्ट हो रही है तो ऐसे ही रफ सी बनती है। अगर हम पेंटिंग भी बनाएं या कुछ भी बनाएं, तो खाना बनाएं, कोई डिश बनाएं, तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी पहली बार में। बट अगर हम उसको दोबारा से उसकी जो भी गलतियां थी उसको याद रख के दोबारा उसको और अच्छा करें, गलतियां ना करें, तो वो क्या बनती रहेगी, अच्छी बनती रहेगी। तो इसी तरह से जब पौधे बने तो एवोल्यूशन के वक्त सबसे पहले थैलोफाइटा बने, उनसे और अच्छे ब्रायोफाइटा बने, उनसे और अच्छे टेरिडोफाइटा बने, फिर जिम्नोस्पर्म्स बने,
और जिम्नोस्पर्म से भी बिल्कुल अच्छे, सबसे अच्छे एंजियोस्पर्म्स बने, मतलब उनके अंदर इस तरह का एंजियोस्पर्म अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। और इसका एक कौन से टाइम में कौन सा ऑर्गेनिज्म धरती पर आया है वो उसका एक टाइम पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ जब एंजियोस्पर्म धरती पर आया है। देयर कॉमन एंसेस्टर इज द जिम्नोस्पर्म, उनका कॉमन एंसेस्टर क्या है, जिम्नोस्पर्म ही है। मतलब सीड वाले प्लांट दो बटे हैं, सीड वाले प्लांट दो में बटे हैं, एक में नेकेड सीड है एक में कवर्ड सीड है। तो नेकेड सीड पहले आए जिम्नोस्पर्म और कवर्ड सीड्स बाद में। जैसे हम अपनी बात करें, जब हमारा कॉमन एंसेस्टर था एक प्राइमेट का, तो प्राइमेट के हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव मंकी अलग चले गए, ह्यूमंस अलग चले गए, और कॉमन एंसेस्टर दोनों का सेम था, एक मंकीज बन गए और एक ह्यूमंस बन गए। मैम दैट मींस लाइक अस ह्यूमन मंकीज आर एंसेस्टर, दैट मींस थैलोफाइट्स आर द एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स, दे एलिवेट फ्रॉम थैलोफाइट्स। वी कैन से दैट मोर क्लोजेस्ट एंसेस्टर की बात हम करते हैं, मोस्ट क्लोजेस्ट एंड कॉमन एंसेस्टर की बात वहां पे होती है। ऐसे तो सारे प्लांट्स का कॉमन एंसेस्टर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो सबसे पहले ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हालांकि वो प्रोकैरियोटिक हैं बट स्टिल क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी है, तो इसी वजह से सारे प्लांट्स का सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुई वो उधर से हुई शुरू, ठीक है। ऐसे तो ट्री ऑफ लाइफ में बहुत सारी कॉमन एंसेस्टर हैं जो बहुत बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव होंगे, बट हम एवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो क्लोजेस्ट एंसेस्टर की बात करते हैं, तब इसीलिए हम वहां कॉमन एंसेस्टर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी एनाटॉमी मिलेगी, इसके इसके फीचर्स ज्यादा मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के एंजियोस्पर्म से एज कंपेयर टू एल्गी। यस मैम। द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ एंजियोस्पर्म वाज डिस्क्राइब्ड एज एब्डोमिनल एबोमिमल मिस्ट्री। और एंजियोस्पर्म की ओरिजिन होना, एंजियोस्पर्म की डिस्कवरी होना, एंजियोस्पर्म को डिस्क्राइब करना एक अबॉमिनेबल मिस्ट्री थी, मतलब बहुत चौंकाने वाली बात थी, एक रहस्य। मिस्ट्री मतलब क्या होता है, कुछ एक कह सकते हैं समथिंग वेरी सस्पिशियस और समथिंग वेरी मिस्टीरियस, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने इसे समझाया था। चार्ल्स डार्विन क्या करता था, चार्ल्स डार्विन आपको पता होना चाहिए एवोल्यूशन का फादर है। चार्ल्स डार्विन ने एक सी वोएज किया था, समुद्री यात्रा करी थी, और चार्ल्स डार्विन ने एक गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जानवरों को भी देखा और पौधों को भी देखा, दोनों को देखा, दोनों की एवोल्यूशन पढ़ी। तो उसने वहाँ पर सबसे पहले एंजियोस्पर्म की एवोल्यूशन और एंजियोस्पर्म नाम के प्लांट्स को सबसे पहले अपनी किताब में मेंशन किया कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैले हुए हैं, ज़्यादातर उस आइलैंड पे एंजियोस्पर्म स्प्रेड थे। तो इस तरह से उसने एंजियोस्पर्म के एवोल्यूशन को, एंजियोस्पर्म की डिस्कवरी को एक एबोमिनेबल मिस्ट्री कहा, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बात। जेंटोफाइट्स बेंटेटेल्स आर द ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म मोस्ट सिमिलर टू एंजियोस्पर्म। जेंटोफाइट्स एक ऐसे ग्रुप हैं जिम्नोस्पर्म के जो कि सबसे ज़्यादा करीब है, और बेंटेटेल्स भी सबसे ज़्यादा करीब हैं एंजियोस्पर्म्स के, तो ये बताया है। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट, एंजियोस्पर्म आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एंजियोस्पर्म ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं, फ्यू आर एक्वेटिक, कुछ एक्वेटिक भी हैं, जैसे कि यहाँ पर दो एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में दिया, थैलासिया एंड जोस्टेरा, ठीक है। बाकी सारे क्या हैं, ज़्यादातर क्या हैं आपके टेरेस्ट्रियल लैंड्स पे उगेंगे, बाकी ये दोनों प्लांट्स में उगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में उगते हैं, जैसे कि वोल्फिया का नाम दिया है, लेमना का नाम दिया है, वो दोनों क्या थे, थैलासिया और जोस्टेरा क्या था, सी ग्रास थी, समुद्री पानी की थी, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो मीजोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स यानी कि मीडियम पानी में रह सकते हैं, ना ज़्यादा कम पानी ना ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी, मीडियम
मीजोफाइट्स में रहते हैं सनफ्लावर, मलबरी ऐसे प्लांट्स हैं। जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बिल्कुल डेजर्ट कंडीशन में रहते हैं, मतलब बिल्कुल ही कम सकलेंस और ज़्यादा ड्राई, सकलेंस और जेरोफाइट्स दोनों ड्राई एरिया में रहते हैं। तो अलगाही, कैपेरिस, ये जेरोफाइट्स हैं। सकलेंस हैं यूफोर्बिया, अपंशिया, जो लास्ट है वो कैक्टस वाला है, ठीक है। तो कैक्टस वाला प्लांट है और जो बीच में आप देख, वो सबसे ऊपर वाले पिक्चर में दिखा रखा है यूफोर्बिया है, वो जो सबसे ऊपर वाले पिक्चर में दिखा रखा है वो कैक्टस नहीं, वो यूफोर्बिया है। यूफोर्बिया नागफनी इसको हिंदी में बोलते हैं, और बहुत लंबे लंबे उगते हैं ये। और कैक्टस आपको जानते, कैक्टस तो जनरल देखा होगा आपने, उसकी राउंड राउंड होती हैं और उसके अंदर लाल लाल से फ्लावर, कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं, अलग अलग वेराइटी होती है हर एक की। और पर इससे थोड़ा सा धारियां नहीं होती कैक्टस में। कैक्टस में क्या होती है, एक पूरी एक सॉलिड एलोवेरा टाइप में ही स्टेम होती है, पर कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। एलोवेरा में छोटे कांटे उसमें बहुत ज्यादा बीच बीच में भी होते हैं, एलोवेरा में सिर्फ मार्जिन पे होते हैं, कैक्टस में बीच बीच में भी होते हैं, ठीक है। बीच बीच में लाइन्स वाले लाइन्स भी होती हैं कैक्टस में, ऐसी नहीं इतनी बारीक नहीं, मतलब उसकी स्टेम ही ऐसी होती है जैसे स्टार शेप हो, स्टार में पांच उसमें बट रही हो, कैक्टस देखा होगा आपने कैक्टस, ठीक है। और ये जो है ये बड़ा, ये डेजर्ट में मिलता है, जैसे ज्यादा थार डेजर्ट है, जैसलमेर एरिया है राजस्थान का, जहाँ ज्यादा रेगिस्तान है वहां पर रन ऑफ कच है, वहां पर ये मिलेंगे यूफोर्बिया। अपंशिया, अपंशिया क्या है, ये कैक्टस है, कैक्टस का नाम है अपंशिया, ठीक है। तो इस तरह का आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे दिया इसमें, कुछ पानी के आधार पे कि जहाँ पे ज्यादा पानी है वहां पर, वहाँ फ्रेश वाटर के एग्जांपल दे दिए, जहाँ मीडियम पानी है वहाँ सनफ्लावर मलबरी, जहाँ जेरोफाइट्स है कम पानी है सकलेंस है, ठीक है। तो ये बता दिया। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कंटिन्यू, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सोइडिया एंड सेमोफाइट्स। तो मतलब लिथोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि लिथोस्फेयर यानी कि लैंड पे मिलेंगे। अब लैंड वो प्लेन्स लैंड हो सकती हैं, ठीक है, या फिर वो आप जैसे साइड में देख रहे हो, एक तो रेत में उग रहा है पौधा, ठीक है। सोइडिया इसी नाम का प्लांट का नाम है, क्या पता ये सऊदी अरेबिया का हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी क्या है, एक सैंड वाली कंट्री है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है और तेल के कुएं हैं, बाकी वहाँ इतना कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं है, हॉट एरिया में रहती है। एंड लिथोफाइट्स क्या है, साइड में एक और पौधा दिख रहा है आपको, चट्टान में भी उग गया है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो कि लैंड में उगेंगे, अब वो लैंड चाहे पहाड़ शेप की लैंड हो, चाहे नॉर्मल प्लेन्स की लैंड हो, कैसी भी लैंड हो सकती है, ठीक है। अब सेमोफाइट्स बोला है, येलो ब्राउन रैफे, ये सेमोफाइट्स को हेलोफाइट्स हो, हेलोफाइट्स आपके नाम दिया है हेलो वर्ड से। हेलो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हेलो वर्ड का मीनिंग होता है सेलिनिटी, ऐसा एरिया में रहने वाला जो सेलिनिटी है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा नमक है, खारी मिट्टी है, खारी मिट्टी है, खारा पानी है, तो वहाँ की मिट्टी भी खारी है क्योंकि पानी मिट्टी में ही भरता है, ठीक है। तो हेलोफाइट्स मतलब उस वो पौधा जो खारी जगह पे यानी सॉल्टी एरिया में रह सके। सेमोफाइट्स वो प्लांट जो कि सैंड में रह सके, सेमो मतलब होता है सैंड। एंड कुछ ऐसे हैं जो कि मार्शी एरिया में भी रह सकते हैं, जैसे कि ये वाला थर्ड वाला जो प्लांट दिखा रखा है वो मार्शी एरिया का प्लांट, राइजोफोरा। इसमें देखोगे तो इसकी रूट्स ऊपर की तरफ उगती हैं कांटेदार, राइजोफोरा बोलते हैं इसको। इसमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, आपका एक चैप्टर भी है मॉर्फोलॉजी करके, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उसमें आप बताएंगे कि जो भी वेटलैंड में, मतलब चारों तरफ से ऐसे एरिया में उगता है पौधा जो पानी से घिरा हुआ है, तो वेटलैंड्स कहीं कहीं पे मिलते हैं, मुंबई में काफ़ी वेटलैंड्स हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर राइजोफोरा नाम का प्लांट ज़्यादा उगता है, मार्शी एरिया है, मार्शी मतलब मैम लाइक सुंदरबन डेल्टा। हाँ, सुंदरबन डेल्टा में भी मिलेंगे आपको। और इन प्लांट की खास बात कि इनमें रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, रूट्स इनके ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो पानी ही पानी, तो कहाँ से फिर वो पानी वो लेंगे,
न्यूट्रिशन, हवा कहाँ से लेंगे? तो हवा लेने के लिए उनको ऊपर आना पड़ता है। अब सम मे बी फाउंड इन मार्शी हैबिटेट राइजोफोरा, तो ये हमने डिस्कस किया। अब हम आगे देखते हैं, जनरल कैरेक्टर्स, हैबिट्स। द हैबिट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट, ड्यूरेशन, नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम के नेचर से, हाइट से, और ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन वो दिन को उसको लाइट चाहिए, कितनी ड्यूरेशन तक उसे लाइट चाहिए, उसके बेसिस पे उसके हैबिट्स होंगे। देर आर थ्री मेन टाइप्स, तीन तरह के टाइप्स हैं, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। ठीक है, हर्ब्स, वीट एग्जाम्पल दिया, श्रब्स में जैस्मिन का एग्जाम्पल दिया, एंड ट्रीज में डलबर्गिया का एग्जाम्पल दिया। मेन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज करके तीन तरह के प्लांट्स हैं हैबिट्स के बेसिस पे। हैबिट्स अदर फ्रॉम इंक्लूड ट्रेलर्स, क्रीपर्स, ट्विनर्स। ये किस तरह ग्रो होंगे, किस तरह फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं। ट्रेलर्स का एग्जांपल दिए, ट्रिब्यूलर्स, क्रीपर्स का एग्जांपल दिए, ग्रास, जैसे थोड़ी सी लॉन ग्रास अगर आप किसी ग्रास जगह लगा दो तो वो पूरे लॉन में फैल जाती है, वो क्रीपर है। ट्विनर्स हैं, आइपोमिया मतलब स्वीट पोटैटो, ट्विनर्स, इसको ट्विनर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स हैं, ग्रेप वाइन, जैसे कि अंगूर की बेल पूरी बिछ जाती है, सब जगह फैल जाती है, उसे जाल जाल लगा दो घर में और अंगूर की थोड़ी सी बेल लगा दो पूरी, या स्ट्रॉबेरी, तो वो क्लाइंबर्स हैं। लाइनांस, टिकटैच एंड एपीफाइट वैंडा, तो ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो फैलने की, एपीफाइट मतलब दूसरे प्लांट पे ग्रो हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी पीपल किसी और प्लांट में से निकल के उग गया, किसी पीपल का बीज उड़ के कहीं थोड़ी सी मिट्टी में या किसी पौधे पे गिर गया और वो दूसरे पौधे पे ही उग रहा है, नीम में ही पीपल उग रहा है, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे पौधे क्या हैं जो दूसरे प्लांट पे थोड़ी समय के लिए ग्रो होते हैं, पर वो थोड़े ही समय के लिए ग्रो होंगे, फिर वो क्या होंगे, उसको अलग करना पड़ेगा या फिर वो इनमें से कोई एक पौधा जिएगा एक पौधा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक ग्रो नहीं होएगा। और ऐसे भी कुछ पौधे हैं, जैसे यहाँ पीपल का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, पीपल का पर्टिकुलर एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि वो दिख जाता है नेचर में कहीं कहीं पे ऐसा, कभी कभी आपको लगेगा दीवार में से ही उग रहा है, दीवार में थोड़ी सी मिट्टी है कहीं पर, वहीं पे एक बीज वगैरह पड़ गया, पानी बारिश का आया, वहीं उगने लग गया, तो उसको भी काटना पड़ता है क्योंकि पीपल की जड़ नहीं तो दीवार कोई फाड़ती चली जाएगी और घर को पूरा खराब कर देगी। ठीक है, तो उसे निकालना पड़ता है वहां से। तो इसीलिए मैंने वो सिर्फ इसीलिए बताया ताकि आप इसको समझ पाओ कि मैं एपीफाइट से क्या बताना चाह रही हूँ। मैं एपीफाइट से ये बताना चाह रही हूँ कि कोई ऐसे पौधे जो दूसरे पौधों पे ही, जिंदा पौधों पे ही ग्रो होने लगे। ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जैसे वंदा यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि जो जिनमें विविपेरी हैबिट होती है। विविपेरी हैबिट मतलब कि फ्रूट्स में होने के बावजूद वो फ्रूट्स में है तब भी वो ग्रो होने, उनके सीड वहीं से ग्रो होने लगते हैं, फ्रूट्स में लगे लगे ही उनके सीड अंदर से ग्रो होने लगते हैं। तो ऐसे जो फ्रूट, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं, क्योंकि वो अपने जिसने वो बीज बनाया उसी में ग्रो होने लग गया। ठीक है, तो एपीफाइट है डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी, मतलब प्लांट्स की अपनी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया, उनकी मॉर्फोलॉजी है, मतलब उसमें दो तरह के सिस्टम होंगे, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। ये तो बहुत सिंपल है, एक्सटर्नल फीचर हम पौधे को कैसे पहचानेंगे, जिसमें तना दिख रहा है, जड़ दिख रही है वो पौधा है, हरा भरा दिख रहा है, यहाँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम बना है, इस तरह का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म पौधा है। ठीक है, पत्ते हो, स्टेम हो, जड़ हो, फूल आ रहे हों, देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंटिन्यूड, टाइप्स ऑफ रूट, स्टेप रूट, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स के भी हैं, टैप रूट की तरह की रूट्स हो सकती हैं, फाइब्रस रूट्स की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लीव्स के, इनके लीव्स तरह तरह के होंगे, पैरेलल, रेटिकुलेट। न्यूट्रिशन कैसा होगा पौधों का, मेनली तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है पौधों का, बट कभी कभी क्या है, सेप्रोफाइट्स होते हैं पौधे और पैरासाइटिक, इंसेक्टिवोरस, ये सब होते हैं पौधे। आपने देखा होगा पिचर प्लांट है, ठीक है, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस है, तो ये क्या है, वो पिचर प्लांट अपने पिचर में कुछ ऐसी इंजाइम्स बनाता रहता है और उसके ऊपर
एक लीफ तो उसका पिक्चर की तरह मतलब एक घड़े की तरह डेवलप हो जाता है, और दूसरा लीफ उसका लिड की तरह। तो जैसे उसके अंदर कुछ भी इंसेक्ट आके फंसता है और सेंट ओडर भी डालता है, निकालता है, जिससे कि उससे अट्रैक्ट हो इंसेक्ट, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप का भी एग्जाम्पल है, और ये वेंट्रियोकोसा निप्थेनिस ये पिचर प्लांट का एग्जाम्पल है। तो इनमें इंसेक्ट आके फंस जाते हैं और इंसेक्ट इनको खा जाते हैं। एयरटेल माड़ी वाला ही लग रहा है इसमें। बैक्टीरियल लीफ सिंबायोसिस बुरखोरिया एंडोसिम्बायन्स कैन बी फाउंड इन 54 प्लांट स्पीशीज इंक्लूड एडेसिया पेवेटिया। मतलब फ्लावरिंग प्लांट में भी बैक्टीरिया की भी इंटीमेट इंटरेक्शन मिलती है, जिसे एंडोसिम्बायन्स बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड लीफ स्ट्रक्चर, मतलब लीफ के अंदर मिलती। बर्कोल्डिया एक ऐसा एंडोसिम्बायंट बैक्टीरिया है जो कि लीव्स के अंदर रहता है, इन पौधों के लीव्स के अंदर रहता है, आर्डिसिया पेवेटिया साइक्टोरिया। ठीक है, और ऐसी इंटरेक्शन है जो ओब्लिकेट है, जो थोड़ी नहीं जा सकती। आपको पता है राइजोबियम भी बैक्टीरिया के रूट्स में, ऐसा बैक्टीरिया राइजोबियम नाम का जो रूट्स में रहता है। ठीक है, तो इन सबके भी अगर वो चाहे लीफ में मिल रहे हों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, चाहे रूट्स में मिल रहे हों, वो बैक्टीरिया क्या होंगे, वो बैक्टीरिया वहां पर कुछ ना कुछ रूट्स में है तो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, और अगर वो लीफ में है तो वो दूसरे इन्वर्टिब्रेट को पैथोजन के को पौधे को उससे बचाते हैं। ठीक है, पैथोजन से पौधे को बचाते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन, एपीजियल जर्मिनेशन, विविपेरी जर्मिनेशन, तीन तरह की जर्मिनेशन है किसी भी बीज की, हाइपोजियल एंड एपीजियल। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, ठीक है, बीज ऊपर की तरफ आ गया है, जिसमें बीज ऊपर की तरफ ही आ जाए और उसके अंदर उसके सीड लीव्स बाहर निकल के बाहर ही गिरे, तो वो कैसी एपीजियल है। और जो आपका हाइपोजियल है, दैट इज लीफ, जैसे मटर का बीज है और एक यहाँ पर बीन्स का बीज है, यहाँ पर बीज बीन्स का बीज ऊपर की तरफ आ जाता है खुद ही, उसकी रूट बढ़ती जाती है, बीन्स का बीज भी ऊपर की तरफ आता है और उसके अंदर जो पौधा छुपा हुआ होता है वो ऊपर से निकलता है, ट्रू लीव्स उसके ऊपर से निकलते हैं। नीचे का हिसाब है, मटर है या चना है, उसका उसका बीज नीचे ही रहेगा, बीज नहीं आएगा ऊपर, और बीज की जो प्लम्यूल है वो खुद ही ऊपर जाएगी, प्लम्यूल के अंदर लीव्स होंगे। और मैंने विविपेरी बताई, विविपेरी में मैंने आपको बताया कि फ्रूट के अंदर जो बीज होगा वो वहीं ग्रो होने लगेगा। ठीक है, तो ये थ्री तरह की जर्मिनेशन एंजियोस्पर्म में देखी जाती है, हाइपोजियल एपिजियल और विविपेरी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मूवमेंट, एंजियोस्पर्म एग्जिबिट व्हाट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, मतलब आपने ये पढ़ा है फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, मीन्स ग्रोथ डायरेक्टेड मूवमेंट्स और ग्रोथ नॉन डायरेक्टेड मूवमेंट्स, पैराटोनिक ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। तो दो तरीके की मूवमेंट है प्लांट्स में शो होती हैं। ठीक है, और सम मूवमेंट्स आर ऑटोनोमिक मीन्स स्पॉन्टेनियस, सम मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। पैराटोनिक, पैराटोनिक मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो भी इंड्यूस्ड होंगी ग्रोथ की वजह से। ऑटोनॉमिक क्या, स्पॉन्टेनियस है, ऑटोनॉमिक वेरिएशंस की वजह से होती हैं, ग्रोथ की वजह से भी, वेरिएशंस की वजह से भी। जैसे कि वेरिएशन क्या, वेरिएशन जैसे टच मी नॉट प्लांट का, टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसका वाटर लेवल चेंज हो जाता है, रगर प्रेशर चेंज हो जाता है, तो लीव जो खुले हुए होते हैं, लीव जो ड्रूप हो जाते हैं। पैराटोनिक इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। तो इस तरह की मूवमेंट पौधा शो करता है, मूवमेंट्स इन एंजियोस्पर्म, यहाँ पर पूरा इसका फ्लो चार्ट दे रखा है। तो इसमें हालांकि आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया है स्लाइड शो में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो जनरल फीचर्स हैं आपके। ठीक है, यूजेज हैं और लाइफ साइकिल है, यहाँ पर कुछ ज्यादा फीचर्स दे रखे हैं।
रिप्रोडक्शन, तो लाइफ साइकिल की बात आएगी कि ये मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्व है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट ओव्यूल. पॉलिनेशन होती है इनमें. अनलाइक ब्रायोफाइट सीडलेस वेस्कुलर प्लांट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म हैव लार्जर फोटोसिंथेटिक डोमिनेंट स्पोरोफाइट, बड़ा स्पोरोफाइट होता है. रिप्रोडक्शन में इसमें फ्लावर्स में पिस्टल होगा, सेमन होगा, सेमन में पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, पिस्टल में एग बनेगा, फ्यूजन होगा और फिर दोबारा से पौधा बन जाएगा बीज से, सीड से बीज. केलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम में फ्लावर के पार्ट्स हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन में मैच्योर फ्लावर में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बाईसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं, इंफीरियर सुपीरियर ओवरी हो सकती है. काफ़ी डिटेल में इसमें बताया है, हमें सिर्फ मेनली लाइफ साइकिल समझनी है. ठीक है, इस तरह से लाइफ साइकिल यहाँ दी हुई है कि एंथर में पॉलन ग्रेन बन रहा है, ओवरी में एग बन रहा है और दोनों की फ्यूजन होगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है.